कुछ चीजें एक दूसरे से इस तरह वाबस्ता हैं कि उन्हें अलग अलग देखने को जी नहीं करता। संगीत और शायरी, शायरी और गजल, गजल और उमराव जान। आशा जी की यह आवाज हमने पहले कभी सुनी नहीं थी। मुजफ्फर अली साहब ने बारीकी से रिसर्च किया और उमराव जान का जो टाइम पीरियड है उसके करीब रहकर पूरी फिल्म बनाई गई। खयाम साहब ने यह बात अपने इंटरव्यू में बताई है कि इसलिए उमराव जान में आपको आशा जी की आवाज बिल्कुल नहीं लगती। कुछ भी हो, संगीतकार अपने अंदर पहले यह एहसास झेलता है और उसी को शत प्रतिशत आपके सामने पेश करता है। लेट अस गिव बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर खयाम जी फॉर हिज लैंडमार्क गजल्स ऑफ उमराव जान। पेश कर रही हैं विभावरी यादव, दिल चीज है क्या। Thank you.
मुश्किल नहीं है कुछ।